जय हिंद साथियों, वेलकम है आप सभी का विजयपथ एजुकेशन पालमपुर में। आज एक बार फिर से स्टैटिक जीके की क्लास सिक्स में आपके लिए लेके आया हूं, जिसमें हम आज वन लाइनर से हटकर एमसीक्यू क्वेश्चन के ऊपर आज फोकस करने वाले हैं। सो एमसीक्यू में आपके पास चार ऑप्शन रहेंगे और सबसे स्पेशल चीज की आपके लिए बाइलिंगुअल क्वेश्चन जो है वो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ, ताकि हिंदी इंग्लिश में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और जो भी साथी डेली हमारे साथ जुड़ते हैं, एक बार वीडियो को शेयर आप जरूर कर दें। राजीव भारद्वाज क्रिएशन, अक्षय शर्मा, साहिल, पंकज, अंशुल, मुनीश, जितने भी साथी हमारे साथ आज जुड़े हैं, एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दें आप सभी। तो स्टैटिक जीके की आज इस इम्पोर्टेंट क्लास में आपके लिए थोड़े से हार्ड लेवल के क्वेश्चन भी रहेंगे। सो स्टैटिक जीके की आज की हमारी जो ये सीरीज है, इसमें हार्ड लेवल के क्वेश्चन भी मैंने डाले हैं और कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आपकी डेली लाइफ से जुड़े हैं। डेली लाइफ इन द सेंस कि हमने सोचा भी नहीं होगा कि उस तरीके से भी कई बार क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो वो SSC के एग्जाम में जो आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन डाले हैं। कुछ आपके हिमाचल एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, मिक्स, जो भी हमारी जीके के जितने टॉपिक रहते हैं उनसे ट्राई किया है कि 20-22 क्वेश्चन आज किस क्लास में मैं आपसे पूछूं। तो जल्दी से वीडियो को एक बार लाइक करें, स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आप हमारे साथ बताएं। विच ऑफ द फॉलोइंग साइट वॉज द फर्स्ट टू बी डिस्कवर, ऐसी कौन सी स्थल था, ऐसा कौन सा स्थल था जिसकी सबसे पहले खोज की गई थी। अब देखिए, ऑप्शन के ऊपर डिपेंडेंट है, अमरीनल, हड़प्पा, लोथल या फिर मोहनजोदड़ो। ऐसा कौन सा स्थल है जिसकी सबसे पहली डिस्कवरी की गई थी, सबसे पहले खोजा गया था उसे। जल्दी से अपना आंसर शेयर करें। इन क्वेश्चन के साथ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में थोड़े से दो या तीन क्वेश्चन भी एक्स्ट्रा बताऊंगा, ताकि आपकी तैयारी जो है वो और अच्छे से हो सके। तो देखिए, सबसे पहला जो शहर खोजा गया था या सबसे पहला जो स्थल खोजा गया था इन चारों ऑप्शन में, वो है हड़प्पा, यानी कि ऑप्शन बी सही है। और हड़प्पा जो है इसकी खोज की थी, किसने की थी आपको पता होगा, दयाराम सहनी जी के द्वारा की गई थी। कब की गई थी, 1921 में। अब ये है कहाँ पे, हड़प्पा जो है वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। कहाँ पर है, जिसको हम माउंट गोबरी के नाम से है वो जानते थे, लेकिन आज जो है वर्तमान में उसे शाहीबाल के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो स्थल है उसे किस नाम से जानते हैं, साहिबल के नाम से जानते हैं। और ये किस नदी के किनारे स्थित है, राबी नदी के किनारे स्थित है। तो आज की जो आपकी क्लास है, इसमें आपको साथ साथ में अगर आप नोट्स बना लें तो काफ़ी अच्छी बात है। अगर आप नोट्स नहीं बनाना चाहते तो विजयपथ ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें आपको आज की जो ये PDF है वो आपको वहां पर जो है वो प्रोवाइड करवा दी जाएगी, वहां से आप अपने नोट्स जो है वो संभाल कर रख सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है, द ऋग्वेदास इज डिवाइड इन टू बुक्स और मंडल्स। अब क्या बोला गया है कि ऋग्वेद को कितने पुस्तकों या फिर मंडलों में जो है वो विभाजित किया गया है। यानी कि जो हमारा वेद है, पहला वेद है, सबसे पुराना वेद है, कौन सा वेद, ऋग्वेद। तो जो ऋग्वेद है, जो कि विश्व का सबसे प्राचीन वेद माना जाता है, वेद कुल कितने हैं, चार हैं, जिसमें से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो इसको कितने मंडल या फिर पुस्तकों में जो है वो बांटा गया है। एक्चुअल में क्या था कि पुस्तकों को ही क्या कहते हैं, मंडल कहते हैं, लेकिन पुरानी जो हमारी संस्कृति था उनके अकॉर्डिंग इसे क्या कहा जाता था, मंडल कहा जाता था। तो कुल कितने मंडल हैं, जल्दी से आंसर आप बताइए, ऑप्शन बी, यानी कि कुल कितने मंडल हैं, 10 मंडल हैं। और उन 10 मंडलों में कितने सूक्त हैं, सूक्त कितने हैं, 1028 सूक्त हैं। और इसमें कुल कितनी ऋचाएं, ऋचाएं का मतलब क्या है, ऋचाएं को क्या कहते हैं वर्तमान में, मंत्र कहते हैं। तो 10,627 मंत्र किसमें दिए गए हैं, ये दिए गए हैं आपके ऋग्वेद के 10 मंडलों में। तो आपको ये पता होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिस्ट्री से। अगला प्रश्न है, द कलेक्शन ऑफ वैदिक हाम्स एंड मंत्रास इज कॉल्ड, यानी कि जो वैदिक भजन या फिर मंत्र है उनके संग्रह को, उनकी कलेक्शन को क्या कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ज्ञाति कहते हैं, बलि कहते हैं,
विदित कहते हैं या फिर संहिता के नाम से जाना जाता है। संहिता से आप याद रखें, जय संहिता का प्रश्न मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, जिसे किस नाम से जाना जाता है, महाभारत के नाम से जाना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है, महाभारत है, जिसका पुराना या अन्य नाम क्या है, जय संहिता, ये आपको पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, वैदिक मंत्रों के कलेक्शन को क्या कहा जाता है, जो वैदिक मंत्र या फिर भजन है उनके कलेक्शन को क्या कहते हैं, तो उनके कलेक्शन को भी संहिता के नाम से जाना जाता है। जय संहिता को महाभारत कहते हैं, लेकिन संहिता जब आएगा ऑप्शन डी, तो उसमें क्या है, उसमें वैदिक भजन है, साथ में उसमें जो है वो वेदों से रिलेटेड मंत्र जो है वो उसमें दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, देखिए, किस भारतीय धर्म में 24 तीर्थकर हुए थे, ऐसा कौन सा इंडियन का रिलीजन था जिसमें टोटल जो है 24 तीर्थकर जो थे वो हुए थे। चार ऑप्शन है, जैन, बौद्ध, हिंदू या फिर सिख। अपना आंसर शेयर कीजिए जल्दी से, कितने ऐसे जो हैं वो, ऐसा कौन सा धर्म है जिसके कुल 24 तीर्थकर हुए थे। आपको पता होना चाहिए, छोटा सा ही है, तीर्थकर जो है वो वीतराग के नाम से भी जो है वो जानते हैं तीर्थकरों को, तो कौन सा धर्म था, तो ऑप्शन ए जिनका भी आंसर जैन धर्म यहां पर आया है, बिल्कुल सही है, जैन धर्म जो है उसमें कुल कितने हुए थे, 24 तीर्थकर जो थे वो हुए थे। और महावीर स्वामी की अगर बात करें, महावीर स्वामी ये कौन से नंबर के थे, ये थे 24वें नंबर के, कौन से नंबर के थे, 24वें नंबर के थे। और 23वें नंबर से भी रिलेटेड क्वेश्चन आपके लिए पूछा जाता है, तो वो कौन से थे, वो थे पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ जो थे वो कौन से थे, वो थे 23वें नंबर के। और अगर आपसे पूछा जाए कि जैन धर्म की स्थापना किसने की या फिर पहले तीर्थकर कौन थे, तो कई बार ये क्वेश्चन भी आता है, तो पहले तीर्थकर का नाम क्या था, ऋष्वदेव था, क्या नाम था, ऋष्वदेव। अच्छा, अब ऋष्वदेव कई बार अगर ऑप्शन में ना हो तो ऋष्वदेव का ही दूसरा नाम क्या है, आदिदेव है, ध्यान रखना है आपको। जैसे मैंने अभी आपको बताया महाभारत का अन्य नाम क्या है, जय संहिता ऑप्शन में हो सकता है, वैसे ही अगर ऋष्वदेव ना हो तो ऋष्वदेव का पुराना नाम या फिर अन्य नाम क्या है, आदिदेव है, जो कि पहले तीर्थकर हुए थे। अगला प्रश्न है, देखिए, अकबर ने मियां का शीर्षक किसे दिया था, टू हुम डिड अकबर गेव द टाइटल मियां, अकबर ने जो एक टाइटल दिया था, उपाधि दी थी मियां की, वो किसे दी थी, ये आपको बताना है क्या इसका राइट आंसर है। और जब आप अगर उनके नाम से अगर आप उसको थोड़ा सा कोरिलेट करें तो आपको पता हो जाएगा, जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ मियां टोडरमल, नहीं ऐसा तो मैंने नाम नहीं सुना, मियां मानसिंह प्रथम नहीं सुना, मियां बीरबल नहीं, मियां बीरबल तो नहीं सुना, लेकिन मियां तानसेन जो है वो मैंने कहीं ना कहीं पे पुस्तक में पढ़ा है। इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या होगा, अकबर ने मियां का खिताब किसे दिया था, तानसेन को दिया था, किसे दिया था, तानसेन को दिया था। अच्छा, अब देखिए तानसेन थे कौन, तो तानसेन जो थे वो अकबर के दरबार में जो थे वो एक फेमस शास्त्रीय संगीत के ज्ञाता थे, और अकबर के रत्न कितने थे, अकबर के 9 रत्न थे, जिसमें से एक रत्न संगीत के इनको माना जाता था, जो इनका नाम क्या था, तानसेन था। ठीक है जी, ये आपको पता होना चाहिए। और अकबर के रत्न में सबसे पहले इनको रखा गया, उनको जगह दी गई, और उसके बाद अकबर ने इनको जो है वो मियां की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न है, देखिए, अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया था। देखिए, अभी मैंने जस्ट आपको एक क्वेश्चन बताया, हु वाज अपॉइंटेड बाय अकबर एज हिज कोर्ट म्यूजिशियन, अभी मैंने आपको बताया। अब देखिए, मियां तानसेन, यहीं से पता चल जा रहा है कि तानसेन के आगे क्या लगा है, मियां, इसलिए मियां की उपाधि किसके साथ है, तानसेन के साथ। और अभी मैंने जस्ट आपको बता दिया कि तानसेन जी का काम ही क्या था, वो संगीत के जादूगर माने जाते थे, संगीत के महान ज्ञाता थे, इसलिए अकबर ने जो है उनको अपने दरबार में जगह दी थी। तो ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और काफी अच्छे लेवल का क्वेश्चन जो है वो मैंने यहाँ पर डाला। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि थोड़े से हार्ड लेवल के क्वेश्चन जो है वो भी मैं आपके साथ यहाँ पर डालूंगा, तो थोड़ा सा अप लेवल का क्वेश्चन मैंने ये डाला है। इसका आंसर आप बताइए, देखिए क्या बोला गया है,
अकबरनामा का डैश खंड यानी कि कौन सा पार्ट है, वो वॉल्यूम है जिसे आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है। देखिए अकबरनामा जो एक पुस्तक है, अकबरनामा क्या है, एक पुस्तक है, ये आपको पता है। मैंने पहले भी आपको बताया था बाबरनामा के बारे में, मैंने आपको बताया था। अब देखिए अकबरनामा जो है वो अब्दुल फजल के द्वारा जो है वो लिखी गई है, ठीक है, अब्दुल फजल। अब इसमें अकबर के बारे में जो है वो बताया गया है। देखिए अब अकबर के बारे में जो पुस्तक लिखी गई है उसके मुख्य तीन भाग बनाए गए हैं। कितने भाग हैं? तीन भाग हैं, यानी कि तीन पुस्तकें उसकी बनाई गई हैं अकबरनामा के अंदर। अकबरनामा जो एक मेन किताब है उसके अंदर उसके कितने वॉल्यूम बनाए गए हैं? तीन वॉल्यूम बनाए गए हैं, एक दो तीन। अब देखिए पहला वॉल्यूम जो है उसमें जो है वो अकबर के जीवन का, कहाँ से उसके जो पूर्वज थे उसके जीवन के बारे में जो है वो बताया गया है। दूसरा भाग जो है अकबर काल में जो जितनी भी घटनाएं हुई थी उसके बारे में बताया गया है। और तीसरा जो मुख्य काल है वो है उसका शासन काल, और उसी शासन काल को किस नाम से जाना जाता है? आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है। तो तीसरा भाग कौन सा है? आईने अकबरी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा सा अप लेवल का क्वेश्चन मैंने आपको डाला है, इसलिए ऑप्शन सी जो है उस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी आपके लिए, सिखों के 10 गुरुओं में से पांचवें गुरु कौन थे? अब देखिए क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है ज्यादातर कि पहले गुरु कौन थे, दसवें गुरु कौन थे और नौवें गुरु कौन थे। लेकिन ये क्वेश्चन आपके एसएससी सीजीएल में 2019 में शिफ्ट 3 में आपसे ये पूछा गया है। और अगर मैं आपको डेट बताऊं 7 जून 2019 को आपसे एक प्रश्न पूछा गया था, शिफ्ट कौन सी है? शिफ्ट है तीसरी। आप चेक कर सकते हैं इसको, एसएससी सीजीएल टायर 1 का आपका ये क्वेश्चन है। देखिए ज्यादातर आपसे पूछा जाता है कि पहले गुरु कौन थे, दसवें गुरु कौन थे और नौवें गुरु कौन थे, लेकिन आपसे क्या पूछ लिया गया? पांचवें गुरु कौन थे। तो देखिए टोटल कितने गुरु हुए थे सिखों के? वो हुए थे टोटल 10 गुरु। कितने थे? 10 गुरु थे। उसमें से अगर मैं आपको लिस्ट बताऊं तो ये आपके लिए लिस्ट मैंने यहाँ पे रखी है। सबसे पहले गुरु यानी कि सिख संप्रदाय की जो शुरुआत है वो किसने की थी? वो की थी गुरु नानक देव जी ने। किसने की थी? गुरु नानक देव जी ने की थी। किसने की थी आपको पता होना चाहिए, गुरु नानक देव जी ने की थी। उसके बाद है दूसरे नंबर पे कौन से आते हैं? दूसरे नंबर पे आते हैं गुरु अंगद। कौन आते हैं? गुरु अंगद। उसके बाद तीसरे नंबर पे हैं गुरु अमरदास। तीसरे नंबर पे कौन से हैं? गुरु अमरदास हैं, ठीक है जी। उसके बाद गुरु रामदास आ गए, और पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव। उसके बाद गुरु हरगोविंद ये आ गए। गुरु हरगोविंद के बाद कौन आ गए? गुरु हर राय आ गए। उसके बाद गुरु हरकिशन आ गए, फिर तेग बहादुर आ गए, और उसके बाद कौन आ गए? गुरु गोविंद सिंह, जो कि कौन से थे? अंतिम गुरु थे सिखों के, अंतिम गुरु थे, ठीक है जी। ये चीज आपको लग गई पता यहां पर? ठीक है जी। उसके बाद है आपसे क्या पूछा गया यहां पर, आपसे क्या पूछा गया कि सिखों के जो थे वो पांचवें गुरु कौन से थे? तो देखिए आंसर क्या होगा फिर इसका, सिखों के पांचवें गुरु कौन से थे? वो अभी मैंने आपको बता दिया, गुरु अर्जुन देव। यानी कि ऑप्शन सी आपके इस क्वेश्चन का क्या है? बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, 1469 में पैदा हुए पहले सिख गुरु गुरु नानक देव कहां पर पैदा हुए थे? अब देखिए कितने क्वेश्चन यहां पे बन गए। देखिए पहला प्रश्न क्या बना कि पहले सिख गुरु कौन से थे? गुरु नानक देव थे। उनका जन्म हुआ कब था? 1469 में हुआ था। इसीलिए मैंने आपको क्या बोला, इस क्लास के लिए जो है वो आपको नोट्स बनाने की जो है वो काफी ज्यादा जरूरत पड़ेगी। अब कहां पर पैदा हुए? तो वो हुए थे तलवंडी में। तलवंडी में ये जो है वो ये पैदा
हुए थे, कौन हुए थे? गुरु नानक देव। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या है, राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, पुणे कभी किसी राजधानी के रूप में जो है वो जाना जाता था। आपको बताना है कि पुणे वॉज वंस नोन एज द कैपिटल ऑफ, पुणे को पुराने टाइम में किसकी राजधानी के रूप में जाना जाता था। तो ये जो है वो आपने मूवीज में देखा होगा, क्योंकि मूवीज से भी हमें क्या पता चलता है, हमारा जीके जो है वो कहीं ना कहीं पे स्ट्रॉन्ग होता है। अगर बेसिकली हिस्ट्री की अगर बात करें, तो अगर आपने बाजीगर, पेशवा बाजीगर जो थे, उनकी अगर हिस्ट्री के बारे में सुना है, तो मूवीज से भी आपको क्या थोड़ा सा जो है वो आइडिया हो जाता है, इंटरेस्टिंग आप उसको बना सकते हैं मूवीज के माध्यम से। तो पुणे जो है वो किसकी राजधानी के रूप में जाना जाता था, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर आपने दिया है। ऑप्शन डी जो है पेशवा के नाम से जो है वो क्या था, पुणे को उसकी राजधानी के रूप में जाना जाता था। ठीक है जी, अगला प्रश्न है, ये मैंने पहले भी आपको बताया है, 1853 में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई थी लॉर्ड डलहौजी के टाइम में, और बंबई को किस शहर से जोड़ा गया था। तो ये मैंने आपको बताया था, लॉर्ड डलहौजी जी ने जो है वो इंडिया में जो भी संचार का माध्यम है, रेलवे लाइन है, पोस्ट सर्विस है, जो भी ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड या फिर अगर संचार से, कम्युनिकेशन से रिलेटेड जितनी भी सुविधाएं मोस्टली हम यूज करते थे उस टाइम से, तो वो लॉर्ड डलहौजी जी के द्वारा ही जो है वो दी गई। तो पहला शहर कौन जोड़ा गया था, मुंबई से ठाणे तक जो है वो पहले रेलवे लाइन जो है वो चली थी। कब चली थी, ये चली थी 1853 में। उसके बाद इसकी रेलवे की लंबाई कितनी थी टोटल, वो कितनी थी, 34 किलोमीटर थी। कितनी थी, 34 किलोमीटर थी। और 1853 के बाद 1925 में जो है वो पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रेन का जो है वो चालन जो है वो शुरू किया गया था, जिसको विद्युत शक्ति के माध्यम से चलाया गया था। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन सा है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बंगाल गजट जो है वो भारत का सबसे पहला समाचार पत्र है। अब बंगाल गजट जो है वो हिंदी में पब्लिश नहीं होता है, ठीक है, वो एक बंगाली भाषा में पब्लिश होता है, लेकिन भारत में सबसे पहले वही आया था। लेकिन यहां पर बात की गई है हिंदी समाचार पत्र की, ऐसा कौन सा हिंदी न्यूज़पेपर है जो कि पहली बार इंडिया में जो है वो स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन है उड़ान, आजाद विचार, उदंड मार्तंड और विचार व्यक्ति। देखिए विचार व्यक्ति और आजाद विचार ये तो नहीं लग रहे हैं। उड़ान किसी ना किसी न्यूज़पेपर में आपने पढ़ा है, जो कि अमर उजाला में आती है, ठीक है, उड़ान तो नहीं हो सकता, तो बचा कौन, उदंत मार्तंड, ठीक है जी। तो ऑप्शन सी जो है ये इसका राइट आंसर है। इसको सबसे पहली बार जो है वो 1826 में चलाया गया था। और अगर मैंने बंगाल गजट की बात की, जो कि भारत का पहला समाचार पत्र है, जिसको 1780 में चलाया गया था जेम्स ऑगस्ट हिक्की के द्वारा, ठीक है। और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि भारत में जो है वो प्रिंटिंग प्रेस या फिर राष्ट्रीय प्रेस की जो स्थापना का श्रेय है वो किस महान व्यक्ति को दिया जाता है, ये थोड़ा सा आप हमारे साथ शेयर करें कि ऐसे कौन से व्यक्ति थे जिनको प्रेस का फाउंडर जो है वो माना जाता है, यानी कि जो भी न्यूज़पेपर मीडिया है उनका फाउंडर या फिर उनकी स्थापना का जो फाउंडर है वो नहीं माना जाता है, कौन से ऐसे महान व्यक्ति हैं, ठीक है जी। अगला 1826 में जो है वो उदंड मार्तंड की जो है वो साप्ताहिक पत्र के रूप में जो है वो इसकी स्थापना की थी। किसने की थी, जुगल किशोर शुक्ल के द्वारा जो है ये निकाली जाती थी, और पूरे प्रदेश में जो है इसको भेजा जाता था। मुख्य रूप से कानपुर में सबसे पहले ये शुरू हुआ था, कलकत्ता में ये जो है वो जुगल किशोर जी ने ये चलाया था, और हाँ सॉरी कानपुर के जो थे वो मूल निवासी थे, कानपुर में शुरू नहीं है, कानपुर के मूल निवासी थे। और ये समाचार पत्र अगर की मैं बात करूं तो ये हर ट्यूसडे को, हर मंगलवार को जो है वो हर व्यक्ति के पास जो है वो भेजा जाता था। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। देखिए क्या प्रश्न है, ऑन हूज एडवाइस डज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट अ स्टेट गवर्नर। भारत के राष्ट्रपति, भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो किसकी सलाह पर कि नियुक्ति किसकी करनी है, राज्यपाल की। अब देखिए राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, लेकिन आपसे पूछा गया है कि किसकी सलाह पर, यानी कि उस व्यक्ति को एक बार पूछना पड़ता है भाई कि मैंने जो है वो राज्यपाल को अपॉइंट करना है, तो मैं आपसे जो है वो कुछ सलाह लेना चाहता हूं। तो किसकी सलाह ली जाती है, वो ली जाती है भारत के प्रधानमंत्री की,
प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया यानी कि ऑप्शन सी सही है। भारत के प्रधानमंत्री से सलाह ली जाती है और संविधान में हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके आर्टिकल अनुच्छेद 155 में जो है ये बताया गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, राष्ट्रपति या फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा की जाएगी। लेकिन 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 किसकी सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह कर, ये जो चीज है वो आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद अगला प्रश्न है, छोटा सा क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो देखिए सबको पता है सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी जो हैं वो भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे और भारत के दूसरे क्या बने थे, वो राष्ट्रपति बने थे। ठीक है जी, पहले राजेंद्र प्रसाद थे और दूसरे वो राष्ट्रपति बने थे। अब सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी जो थे वो 1952 में पहली बार उपराष्ट्रपति बने और लगातार 10 सालों के लिए जो थे वो ये रहे थे, उपराष्ट्रपति रहे थे। ठीक है, 1962 तक ये रहे थे। अब उसके बाद यहाँ पर इनको जो है वो इनसे रिलेटेड आपको पता होना चाहिए, अध्यापक दिवस टीचर डे मनाते हैं 5 सितंबर को। 5 सितंबर को राष्ट्रीय होता है, राष्ट्रीय यानी कि नेशनल पूरे भारत का। इससे पूरे एक महीने बाद यानी कि 5 अक्टूबर को जो है वो वर्ल्ड टीचर डे मनाया जाता है और 1954 को जो है इनको भारत का जो सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार है भारत रत्न से जो है वो इनको सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म कब हुआ था? तो कई बार स्टूडेंट कहते हैं कि सर बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन जो है वो नहीं आते हैं, क्योंकि जब हम आपको हमारे इंस्टीट्यूट में जब हम आपको फिजिकली मोड में जब पढ़ाते हैं तो वहाँ पर कई स्टूडेंट ऐसा कहते हैं कि सर ये तो इजी है, ये तो पेपर में आता नहीं है। मतलब कि उनका सेंस ऑफ ह्यूमर वो इस तरीके से सोचते हैं कि जो क्वेश्चन हमें आते हैं वो पेपर में कभी आ ही नहीं सकते, या फिर जो हम उनको कई बार पढ़ाते हैं उनका मेंटल लेवल इस प्रकार का हो चुका होता है कि अगर मैंने उनको बता दिया कि महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था तो 2 अक्टूबर को, तो कई बार बोलते हैं कि सर ये तो ईजी है, इतना कभी नहीं आता। लेकिन आप इस क्वेश्चन को देखिए, जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म कब हुआ था, ये क्वेश्चन आपके ऑल इंडिया लेवल में CHSL 15 जनवरी 2017 को जो सुबह की 10 बजे की शिफ्ट है उसमें ये आपसे जो है वो क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए शिफ्ट फर्स्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था विद टाइम विद डेट विद सब्जेक्ट विद पेपर, आपको ये डिटेल दी गई है जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म जो है वो किस वर्ष हुआ था। तो जल्दी से इसका आंसर जो है वो आप बताएं, इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1899 में इनका जन्म हुआ था और जो भारत के पहले क्या बने थे, प्रधानमंत्री बने थे। और इनके जन्म दिवस को ये आपको पता होना चाहिए कब हुआ था, 14 नवंबर को हुआ था, क्योंकि 14 नवंबर को इनके जन्म दिवस के ऊपर ही क्या मनाते हैं, चिल्ड्रन डे मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, चिल्ड्रन डे। अब इनके द्वारा एक मुख्य पुस्तक लिखी गई है जो कि बड़ी बार आपके एग्जाम में पूछी जाती है, उस पुस्तक का नाम है भारत की खोज। सुना होगा आपने भारत की खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न, व्हाट इज द मिनिमम एज टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इफ ही और शी इज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। आपको बोला गया है कि प्रधानमंत्री को बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए, क्या आयु जो है कितना क्राइटेरिया एज का रखा गया है भारत के प्रधानमंत्री को बनने के लिए, तो एज कितनी होनी चाहिए, मिनिमम 30 साल एज जो है वो होनी चाहिए। अगर 30 साल से कम है तो वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, ये चीज आपको पता होना चाहिए। अच्छा देखिए, इस क्वेश्चन में एक थोड़ी सी एक्स्ट्रा जानकारी भी आपको दी गई है, किसी राज्यसभा सदस्य के लिए। अब ये बोला गया है, देखिए एक आती है लोकसभा, एक आती है क्या, राज्यसभा। लोकसभा का जो मेंबर है वो कितने साल का बनता है, 25 साल का। राज्यसभा में बनने के लिए कितनी एज चाहिए, 30 साल की एज चाहिए। ठीक है जी, अब देखिए मैं अपनी अगर बात करता हूं, ठीक है, मैंने आपको ये बोल दिया कि मेरी एज अभी कितने साल है, 25 साल है। ठीक है, तो मैं कौन से इलेक्शन में जा सकता हूं, मैं लोकसभा में जा सकता हूं, क्योंकि लोकसभा में कितनी एज चाहिए, 25 साल चाहिए। मैं लोकसभा में इलेक्ट हो गया, ठीक है, मैंने लोकसभा में जो है वो एक साल जो है वो काम किया, क्या मैं प्रधानमंत्री बन सकता हूं, अगर मेरे में वो सारी खूबियां हैं प्रधानमंत्री बनने की, तो क्या मैं प्रधानमंत्री बन सकता हूं, नहीं, क्योंकि अभी मेरी एज कितनी हुई, मेरी एज तो अभी 26 साल हुई, एक साल मैंने लोकसभा के लिए काम किया,
25 साल में मैं लोकसभा में गया था, एक साल मैंने काम किया, यानी कि मेरी अभी एज कितनी है 26 साल। लेकिन 26 साल का व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, क्योंकि प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए मिनिमम एज कितनी चाहिए, 30 साल चाहिए, ठीक है जी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति राज्यसभा के मेंबर है, अब राज्यसभा के लिए कितनी एज चाहिए, 30 साल है, यानी कि जो राज्यसभा वाला मेंबर है वो डायरेक्टली प्रधानमंत्री बन सकता है, क्योंकि एज के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग उसने राज्यसभा की कंडीशन को पूरा किया, तो ऑटोमेटिकली उसकी प्रधानमंत्री की कंडीशन भी क्या होगी, पूरी हो गई, ठीक है जी। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी, 30 साल जो है वो उम्र होनी चाहिए प्रधानमंत्री जी को बनने के लिए। अगला प्रश्न है, 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने थे, ठीक है जी, यानी कि दूसरे प्रधानमंत्री कौन बने थे आपसे पूछा गया है, तो जल्दी से इसका आंसर आप हमारे साथ शेयर कीजिए। तो कांग्रेस के जो हैं वो प्रधानमंत्री बने थे, उनका नाम क्या था, उनका नाम था गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा जी जो हैं वो भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे। कब बने थे, जब 1964 में जवाहरलाल नेहरू जी की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, और इनका जो पहला कार्यकाल था, दो बार ये प्रधानमंत्री बने थे गुलजारी लाल नंदा जी। इनसे एक फेमस चीज़ मैं आपको बताऊंगा, 1964 से लेके 1964 में ये बने थे कुछ टाइम के लिए, मई या जून दो महीने के लिए शायद ये बने थे, उसके बाद लाल बहादुर जी शास्त्री आए और उसके बाद इनको फिर से इलेक्ट किया गया था 1966, ठीक है जी। अब एक चीज आपको और ध्यान में, इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, गुलजारी लाल नंदा जी जो थे, हाँ गुलजारी लाल नंदा जी जो थे वो ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने दो बार जो है वो कार्यभार संभाला, लेकिन दो बार कब संभाला, जब दो प्रधानमंत्री की मृत्यु हुई। देखिए पहले कौन आए, पहले आए नेहरू, नेहरू जी की डेथ होगी, कार्य किसने संभाला, वो संभाला नंदा जी ने, ठीक है जी, नंदा जी ने संभाला। अब नंदा जी प्रधानमंत्री से हट गए, फिर कौन बने, फिर बने लाल बहादुर शास्त्री जी। शास्त्री जी की डेथ होगी, उसके लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ होगी, उसके बाद फिर से कार्यभार किसको दिया गया, नंदा जी को दिया गया। तो इसका मतलब क्या है, ये ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने दो बार कार्यकाल तो किया, लेकिन कब किया, जब किसी प्रधानमंत्री की क्या होगी, मृत्यु होगी। अगला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, ऐसा क्वेश्चन भी आपसे जो है वो पूछा जाता है, और पश्चिम बंगाल काफ़ी फेमस है, ममता बनर्जी की सरकार है वहाँ पर। कुछ स्टेट के बारे में आपको पता होना चाहिए जो कि काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं, जैसे कि बुलडोज़र नाम आपको पता होगा, यूपी में काफ़ी ज़्यादा फेमस है, पश्चिम बंगाल भी काफ़ी चर्चा में रहता है। ऑप्शन बी, 16 सीटें जो हैं वो राज्यसभा में हैं टोटल, और हिमाचल की बात करें, हिमाचल में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, 3 सीटें हैं। अगला प्रश्न है, चंडीगढ़ में लोकसभा की सीटें कितनी है, नंबर ऑफ पार्लियामेंट सीट्स लोकसभा ऑफ चंडीगढ़ इज कितनी है, चंडीगढ़ में कितनी है, जल्दी से आप आंसर बताइए। चंडीगढ़ जो है वो क्या है, एक यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, राज्य नहीं है, यानी कि सबसे छोटा है, कम है, इसका मतलब ऑप्शन ए, एक ही क्या है, लोकसभा की सीट। अगर हिमाचल की बात करें, हिमाचल में कितनी है, 4 सीटें हैं, जिसमें से 3 जो है वो अभी वर्तमान में बीजेपी की हैं और 1 जो है वो किसकी हैं, कांग्रेस की हैं, ठीक है जी। अगला प्रश्न है, भारत के एक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव, पहला प्रस्ताव किस वर्ष शुरू किया गया था, यानी कि हमारे पार्लियामेंट में भी जो है कई बार क्या करते हैं, जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो भी कई बार जो है वो घोटाला कर देते हैं, तो पहली बार जो है वो हरियाणा हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हुए थे वी रामास्वामी, उन्होंने जो है ये एक फैसला जो है वो उन्होंने लिया था कि किसी भी मुख्य न्यायाधीश को जो है वो उच्च न्यायालय से हटाया भी जा सकता, अगर उनके खिलाफ जो है अगर कोई गंभीर आरोप रहते हैं, या फिर अगर उन्होंने कोई एक गलत काम किया है, उनके ऊपर अगर कोई केस चलता है, अगर वो उसमें जो है वो पकड़े जाते हैं, तो उनको मुख्य न्यायाधीश के पद से जो है वो हटाया भी जा सकता है। तो पहली बार 1991 में जो है ये प्रावधान जो है वो बनाया गया था।
अगला प्रश्न, अंतिम क्वेश्चन आज की इस क्लास का, भारत के उच्चतम न्यायालय के लिए कौन कौन सी बातें जो है वो सही है, मतलब कि ऐसी कौन सी लाइंस हैं जो बिल्कुल सही हैं इंडिया के सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग। तो बोला गया है फेडरल कोर्ट है, संघीय न्यायालय है, बिल्कुल संघ का न्यायालय है ये, सभी को जो है वो इसमें मौका दिया जाता है। कोर्ट ऑफ अपील है, बिल्कुल कोर्ट ऑफ अपील ही है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी केस चलते हैं वो अपीलों के ऊपर ही चलते हैं। उसके बाद गार्जियन ऑफ द कॉन्सिक्वेंस, बिल्कुल संविधान का क्या है, रक्षक है, संविधान को, संविधान की रक्षा करता है, जो न्याय है उसको देता है। और लास्ट है सारे विकल्प सही, बिल्कुल सही, ऑल ऑफ दीज जो है ऑप्शन वो क्या है, इस ऑप्शन, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर रहेगा। आई होप आपको आज की क्लास जो है वो काफ़ी अच्छी लगी। जो भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं उनका जो है वो विजयपथ एजुकेशन धन्यवाद करता है कि डेली आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं। वीडियो को इसी प्रकार से आप डेली हमारे साथ 8 बजे जो है वो जुड़ सकते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। डेली हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में आपको करंट अफेयर और न्यूज़पेपर विजयपथ एजुकेशन आपको भेजता है, उसका व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, लिंक से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। जल्दी ही नई क्लास के साथ मैं आपसे जुड़ूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल।